मेरठ से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है, बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश शक्ति नायडू ढेर हुआ है। पुलिस ने बदमाश को ढेर किया है, एक कार्बाइन बरामद की है इस बदमाश से। एक सीओ भी गोली लगने से घायल, दिल्ली और यूपी का इनामी बदमाश था शक्ति, 1 लाख का इनामी बदमाश था शक्ति नायडू। कंकड़खेड़ा आर्ट सिटी के नजदीक की घटना, जहां एनकाउंटर में बदमाश को, 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया है पुलिस ने। कंकड़खेड़ा आर्ट सिटी के नजदीक हुई मुठभेड़। मनोवर चौहान जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मनोवर, क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस तरीके से पुलिस की रडार में आया इनामी बदमाश? देखिए पंकज, सबसे पहले बता दूं, शक्ति नायडू दिल्ली का मोस्ट वांटेड अपराधी है, क्योंकि पिछले महीने शक्ति नायडू ने यहाँ पर मेरठ में कंकड़खेड़ा इलाके में एक अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या की थी। हालांकि शक्ति नायडू ने दिल्ली के किसी डीसीपी का जो है सीधे तौर पर सुपारी ले रखी थी, और ये अफवाह थी कि डीसीपी को शक्ति नायडू मार देगा। ऐसे पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, जहाँ पुलिस को सूचना मिली कि ये कंकड़खेड़ा इलाके में है, तो पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी थे मौके पर पहुंचे। एडीजी प्रशांत कुमार रहे, आईजी प्रवीण कुमार रहे, एसएसपी रहे और सीओ जितेंद्र प्रथम रहे, सब तमाम लोग मौके पर मौजूद थे और काफी देर तक मुठभेड़ हुई, कई राउंड फायरिंग हुई। यहाँ पर बताया जाता है कि क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र को भी गोली लगी है और शक्ति नायडू को गोलियां लगी है, जिसको अब मृतक घोषित किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रथम दृष्टि लग रहा था पुलिस को क्या ऐसा है, तो प्रथम दृष्टि पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मरने की सूचना नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे मरने की सूचना आ चुकी है, पूरी तरह से ढेर हो चुका है। शक्ति नायडू दिल्ली का मोस्ट वांटेड है और यूपी में भी अब वो वांटेड हो चुका था, 1 लाख रुपए के ऊपर का इनाम था, और इसने कई पहले भी हत्याएं की है, और दिल्ली के अंदर 15 लाख की हाल ही में डकैती में भी ये फरार चल रहा था। अब पुलिस की बड़ी सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस भी और मेरठ यूपी की पुलिस भी इसको तलाश रही थी। फिलहाल अभी इसके अन्य साथियों की भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके अन्य साथी है जिन्होंने यहाँ पर मेरठ में हत्या की थी, और एक जिसकी हत्या की गई थी उसके चाचा को भी गोली मारकर घायल किया था। फिलहाल इसमें यह देखना होगा पंकज, इसके अन्य साथी है, पुलिस वहां तक कब पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोवर आपका इस जानकारी के लिए। तो कंकड़खेड़ा आर्ट सिटी के नजदीक का पुलिस और बदमाश के बीच हुई है मुठभेड़। मेरठ से खबर आपको बता दें, इस मुठभेड़ में बदमाश को ढेर किया है। मुठभेड़ के दौरान शक्ति नायडू नाम का ये बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस ने बदमाश से कार्बाइन बरामद की है, इनाम था इस बदमाश के सिर पर। एक सीओ भी गोली लगने से इस दौरान घायल। दिल्ली और यूपी का इनामी बदमाश शक्ति नायडू ढेर हुआ है एनकाउंटर में, 1 लाख का इनामी बदमाश था शक्ति नायडू। दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज, उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज। कंकड़खेड़ा आर्ट सिटी के नजदीक हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में एक सीओ को जहां गोली लगी, तो वहीं पुलिस ने इनामी बदमाश को ढेर करने में कामयाबी पाई है। तस्वीर आप देख रहे हैं जिस इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, एक सीओ भी गोली लगने से घायल हुआ है। दिल्ली और यूपी का इनामी बदमाश शक्ति नायडू एनकाउंटर में ढेर। पुलिस से मुठभेड़ और मुठभेड़ में इनामी बदमाश को ढेर किया गया। पुलिस द्वारा काफी दिनों से पुलिस अपने रडार में इस अपराधी को, इस बदमाश को लाने की कोशिश में थी। आखिरकार पुलिस ने बदमाश से कार्बाइन बरामद की, बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, बदमाश ढेर हुआ है। मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहले। दिल्ली और यूपी का इनामी बदमाश शक्ति नायडू ढेर हुआ है पुलिस एनकाउंटर में, 1 लाख का इनामी बदमाश था। कंकड़खेड़ा आर सिटी के नजदीक हुआ एनकाउंटर।